नमस्कार, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की। जो धनु राशि है वो हमारी द्वि स्वभाव राशि है और अग्नि तत्व राशि है। काल पुरुष की कुंडली में जो धनु राशि है वो भाग्य स्थान पे आती है और कहते हैं कि जब भी ये भाग्य स्थान, ये जो 9 नंबर धनु राशि का है, अगर ये लगन में आ जाता है, जिनका भी लगन धनु लगन होता है बहुत भाग्यशाली होते हैं अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। धनु राशि का जो चिन्ह है वो एक घोड़ा है जिसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है और हाथ में तीर कमान है। देखिए, द्वि स्वभाव राशि है और अग्नि तत्व राशि है तो जातक को बहुत ज्यादा तेज तर्रार बनाती है। बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, बहुत ज्यादा परिश्रमी होंगे। इनका जो दृष्टिकोण, देखिए इनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा आशावादी होता है। दूसरों के प्रति इनके व्यवहार में एक सहानुभूति होती है। कहते हैं किसी से कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करते, लोगों के मन की भावनाओं को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं उनको सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वभाव में क्रोध आ सकता है क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा ही स्वभाव में क्रोधी होते हैं, पर अगर कुंडली में लगन में कहीं कोई पाप ग्रह बैठ जाए या कुंडली का लग्नेश, कहते हैं लग्नेश जब पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रह बैठ जाता है तो इंसान को बहुत ज्यादा जिद्दी, हट्टी और क्रोधी बना देता है। अपने दृढ़ निश्चय के पक्के होते हैं, जो भी जीवन में निश्चय कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए उस कार्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं और जो निश्चय कर लें उससे कभी भी नहीं पीछे हटते। कहते हैं अपना बढ़ाया हुआ कदम ये कभी भी पीछे नहीं लेते। जो धनु राशि या धनु लग्न के जातक है अक्सर देखा जाए तो बहुत स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और ऐसा अक्सर देखने में आता है कि उनके अच्छे स्वभाव और एक अच्छी सी मुस्कान की वजह से अपोजिट सेक्स के लोग उनके प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उनकी तरफ वो उनके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जहां तक बात करें इनके वैवाहिक जीवन की, तो जब भी ये विवाह के लिए निर्णय लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कैलकुलेटिव वे से निर्णय लेते हैं कि कौन सा जीवन साथी इनके लिए लंबे समय तक चल सकता है और ऐसे कौन से इंसान से हमें विवाह सूत्र में बंधना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। और कई बार ऐसा निर्णय में लेने में ये इतना देर कर देते हैं कि इनके विवाह में भी विलंब हो जाता है। बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, इनकी शिक्षा कैसी रहेगी। उच्च शिक्षित होते हैं ये लोग, उच्च पद प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए हमारा एजुकेशन कैसा रहेगा, हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, ये बहुत हद तक हमारी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है कि हमारे कुंडली के ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए कहीं अगर पंचमेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है, अशुभ दृष्टि है, या कहीं 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है तो हम उस समय नहीं कह सकते कि धनु लगन है तो हमारी शिक्षा उच्च ही होगी, क्योंकि ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। जो लोग अक्सर धनु लगन के होते हैं वो जो अगर काम काज के बारे में विषय में बात करें तो प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, धर्म गुरु कहते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो भी लोग अक्सर धनु लगन के ही देखे गए हैं। फर्नीचर का काम कर सकते हैं, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकते हैं और बाकी बहुत हद तक आपके ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। बात करते हैं इनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो इनको बुखार जैसी समस्या अक्सर रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, गुप्त रोग हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा हो सकता है क्योंकि लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं मोटापे के कारण है, कारक है। जब कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तब भी जातक अक्सर देखने में आते हैं कि मोटे होते हैं, और अगर कहीं खराब स्थिति में हो तो भी इंसान के शरीर में मोटापा पैदा कर देते हैं। जो खास बातें इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इन्हें तले तलाए भोजन का, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ इन्हें नहीं जाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन जितना हो सके इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं या शुभ होते हैं, अगर शुभ ग्रहों की बात करें
तो सबसे पहले तो बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि स्वयं लग्नेश है, और फिर बात करते हैं मंगल देव की, और मंगल देव के बाद हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव इनकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और मंगल देव इनकी कुंडली में पंचमेश भी होते हैं, द्वादशेश वै भाव के स्वामी भी होते हैं, फिर भी कुंडली में कहीं ना कहीं शुभ फलदायी होते हैं। बात करते हैं अशुभ ग्रहों की। शनिदेव इनकी कुंडली में द्वितीयेश और तृतीयेश होते हैं, जो कि मार्गेश का काम करते हैं, और मार्गेश है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। उधर बात करें शुक्र देव की, तो शुक्र देव कुंडली में षष्ठेश भी है और एकादश भाव के स्वामी भी है, तो वो भी बहुत शुभ कारक ग्रह नहीं गिने जाते, बहुत शुभता नहीं मानते कि वो बहुत शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं, हालांकि कहते हैं चंद्रमा और सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, फिर भी उनको हम रिजल्ट में शुभता नहीं देंगे। और बुध इनकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष का निर्माण करते हैं, इनकी कुंडली में सम भाव रखते हैं। तो जिनकी भी धनु लगन की कुंडली है उनको कौन से विशेष रत्न पहनने चाहिए, तो धनु लगन वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं, पर अंत में फिर भी यही कहना चाहूंगी किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। धनु लगन वालों के लिए जो विशेष है, जो उन्हें उपाय करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सरलता आए, शुभता आए, आने वाली परेशानियां कम हो, तो उसमें विशेष रूप से उन्हें केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करते हुए आप गुड़ चढ़ा सकते हैं, भुने हुए चने चढ़ा सकते हैं, मनक्का चढ़ा सकते हैं, हल्दी वाला पानी केले के पेड़ पे चढ़ा सकते हैं, तो देसी घी का दीपक जलाइए केले के पेड़ पे। तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से अगर जीवन में कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, बनते बनते काम आपके रुक रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ी सी मदद मिले, थोड़ी सी हेल्प मिले। अगर आपको धनु लग्न के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।